दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने रिलायंस ग्रुप कंपनीज पर अब एक बड़ा दाव चल दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर मिल रही है कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल अब अदानी ग्रुप स्टॉक से बाहर हो चुका है। 1.3 करोड़ डॉलर वाले इस फंड ने इस साल फरवरी की शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था वह अदानी ग्रुप कंपनी से पूरी तरह बाहर हो चुका है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ने इस मामले को लेकर दूसरे कारणों के साथ साथ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क का भी हवाला दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर अकाउंटेंट फ्रॉड और शेयर प्राइजेस से छेड़खानी करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही अदानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा और लगातार ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में घाटा हुआ। जानकारी के मुताबिक नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ने साल 2022 में मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनियों में 180.5 मिलियन डॉलर की होल्डिंग्स बढ़ाई थी। ये जानकारी दिसंबर 2022 तक की लेटेस्ट होल्डिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने पर मिली है। फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट से ये पता लगता है कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने दिसंबर आखिर तक अदानी ग्रुप कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की साल 2021 के आखिर में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में 12.7 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।